सक्सेस मंत्र, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। सो प्रायर गेटिंग इनटू द डिटेल्स, लेट्स हैव अ स्नीक पीक व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इन टुडेज द हिंदू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ टॉपिक ऑन पेज नंबर 7 व्हिच इज डेटा अपॉर्चुनिटी एट द G20। G20 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द यूरोपियन यूनियन आस्पेक्ट। अभी रिसेंटली ऑन 16th ऑगस्ट आई गेस वी हैव कवर्ड अबाउट द यूरोपियन यूनियन एंड इट्स रिलेशनशिप विद द इंडिया, कि कैसे वो डेवलप हो रहा है, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इन द फ्यूचर। तो उसी परस्पेक्टिव पे G20 है, क्योंकि इंडिया G20 होस्ट करने वाला है, तो एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हो जाता है बाई वॉट विजन वी आर गोइंग देयर। तो एक विजन ये भी आता है कि डाटा अपॉर्चुनिटी, जो दो डेटा अपॉर्चुनिटीज हैं, जो डेटा थेफ्ट की जो चीजें होती हैं, और डेटा सिक्योरिटी अमंग द नेशंस, जो कि पर्सनल भी हो सकता है और नॉन पर्सनल डेटाज भी हो सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। एंड वी विल गेट इन टू द डिटेल्स वट एग्जैक्टली द G20, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड वी विल लिंक इट विद द यूरोपियन यूनियन, राइट, जिसके 27 मेंबर्स होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट आस्पेक्ट इज वट इज कॉजिंग द आर्कटिक वार्मिंग। आज हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज में बहुत अच्छा टॉपिक आया है एनवायरमेंट से रिलेटेड, अबाउट द आर्कटिक वार्मिंग, राइट। इस आर्कटिक वार्मिंग को हम एड ऑन करेंगे विद द आर्कटिक काउंसिल, राइट। आर्कटिक काउंसिल से इसको ऐड करेंगे ताकि जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी हमारा कवर हो जाए विद दिस करंट आस्पेक्ट, राइट। द थर्ड टॉपिक फॉर अस इज जियोपॉलिटिक्स ऑफ द 4th ताइवान क्राइसिस। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया व्हाट दिस चाइना ताइवान, जिसको हम लोगों ने आई गेस 13th ऑगस्ट को कवर किया था, 12th ऑगस्ट को भी कवर किया, 6th ऑगस्ट को भी कवर किया। तो वी विल हैव अ जस्ट अ रफ बैकग्राउंड व्हाट एग्जैक्टली हाउ द थिंग्स आर मूविंग, राइट। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हो जाता है इस पर्सपेक्टिव से, राइट। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि भाई एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इन सब टॉपिक्स में। सो फर्स्ट आस्पेक्ट इज अबाउट द डेटा अपॉर्चुनिटी एट द G20। इसमें इस पूरे आर्टिकल में इस पॉइंट को कवर किया गया है कि G20 में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, इंडिया का क्या विजन होना चाहिए इन द G20 मीटिंग, और इसके रिलेटेड आस्पेक्ट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस किया गया कि कैसे कैसे इंडिया को आगे प्रोसीड करना चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्शन में। और एक बहुत अच्छा आस्पेक्ट डाला गया है इसमें यूरोपियन यूनियन का, राइट। इसमें यूरोपियन यूनियन का भी एक पॉइंट डाला गया है कि यूरोपियन यूनियन से जो हमारे रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहे हैं उसको कैसे हम लोग और मॉडर्नाइज करें और एफिशिएंट कर सकते हैं। और ये यूरोपियन यूनियन वाला मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 16th अगस्त का वीडियो जाके देखिए और उसमें यूरोपियन यूनियन वाला पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिगार्डिंग द रशियाज रोल इन द करंट इंटरनेशनल ऑर्डर, राइट। कमिंग टू द आस्पेक्ट्स ऑफ दिस न्यूज इज अबाउट द G20। देखिए G20 जो ग्रुप होता है वो एग्जैक्टली 20 नेशंस का ग्रुप नहीं होता है, इस चीज को याद रखना है। G20 इज अ ग्रुप ऑफ 19 नेशंस होते हैं, और एक होता है आपका यूरोपियन यूनियन जो कि खुद 19+8 का ग्रुप होता है, 19 यूरो कंट्रीज एंड 8 नॉन यूरो कंट्रीज। और मैंने भी कल इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन डाला था, जिसके रिगार्डिंग आप लोगों ने आंसर भी किया, एंड इट इज वेरी नाइस टू लुक ऑन कि हाँ आप लोग अच्छे से आंसर्स करते हैं इन सब क्वेश्चंस के, बिकॉज दीज क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जामिनेशन, देयर इज नो इफ और बट कि नहीं आ सकता है, चीजें न्यूज में है तो पूछी जा सकती है। तो यूरोपियन यूनियन को पढ़िएगा, 16th अगस्त का आर्टिकल है, मैं आपको बता दूं 16th अगस्त में है ये, 19+8 27 मेंबर्स होते हैं। नाउ कमिंग टू द करंट आस्पेक्ट, क्या है हमारे पास अभी के लिए, क्या है अभी के लिए है हमारे पास G20, जिसके आपको 19+1 मेंबर्स हैं, एक यूरोपियन यूनियन है और 19 स्टेट्स हैं, राइट, G20 के। उसके बाद सेकेंड आस्पेक्ट आता है G20 जो हुआ था 1999 में फाउंड हुआ था, याद रखना है, बहुत लोग इसे 2008 से कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, 1999 में फाउंड हुआ था, 1999 में, 2008 इसका एसेंशियल आस्पेक्ट है। क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस थी, जिसके बाद इकोनॉमिक को बिल्ड करने के लिए इन 20 ग्रुप ऑफ नेशंस ने ये डिसाइड किया कि सर अब हमें रेगुलर मीटिंग्स करनी चाहिए, जिससे हम जो भी फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस अराइज हो रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्डर में, उसको हम लोग मॉनिटर कर सके। इसलिए ये 2008 का ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम के बाद से इन्होंने वंस इन अ ईयर मीटिंग को करना शुरू कर दिया, कि हर साल मीटिंग होगी। बट फाउंड कब हुआ था? फाउंड हुआ था 1999 में। ये दो डेट्स के बीच में कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं तो मिस हैपनिंग हो जाएगी, राइट, ब्लंडर नहीं करना। कमिंग टू द नेक्स्ट आस्पेक्ट ऑफ दिस G20,
is about the India G20. India का पोजीशन क्या है, व्हाट व्हाई वी आर इंक्लूडिंग दिस G20? तो इंटरनेशनल ऑर्डर की बात अलग है, लेकिन इंडिया को भी समझना जरूरी है, राइट? इंडिया को भी समझना जरूरी है कि इंडिया क्या रोल प्ले करेगा और कैसा रोल प्ले करेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये पीपीटी आपको मिल जाएगा, राइट? आप टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं, और जरूर से करिएगा एक्सेस, बिकॉज क्लैट नजदीक आ रहा है, टॉपिक्स को मिस करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, इंडिया एंड G20। तो इंडिया का जो G20, इंडिया जो होस्ट करेगा G20, जिसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है कि व्हाट एग्जैक्टली द इंडियाज विजन शुड बी, और डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी उसमें बात कही गई है। तो ये कहा गया है कि इंडिया का जो G20 समिट है वो कब कर रहा है, इंडिया G20 होस्ट कब करेगा, 2023 में। 2023 में हम लोग ये भी जानेंगे कि होस्ट डिसाइड कैसे होता है, क्योंकि 19+27 है, तो यूरोपियन यूनियन होस्ट करेगा तो उसके भी डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन होस्ट करेगा। तो इसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रोइका, राइट? उसको हम कहते हैं ट्रोइका। तो इसको भी जानेंगे कि ट्रोइका क्या होता है, आगे जानेंगे फर्दर। इस वीडियोस में मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आपको नोट्स मिल जाएगा, यू कैन एक्सेस द नोट्स फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। और इस बार 18th G20 समिट हो रहा है, 18th G20 समिट इंडिया होस्ट कर रहा है 2023 का, कहाँ? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। और इस चीज से चाइना का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आने वाले टाइम पे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे कि पहले दिल्ली में होना था लेकिन इसको शिफ्ट करके कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में, राइट? काफी अच्छी जगह है, अच्छी बात भी है भाई, इस टाइम होस्ट करिए। बट इस ईयर का कौन होस्ट करेगा G20 समिट, यानी 2022 का कौन होस्ट करेगा, इंडोनेशिया होस्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 17th G20 समिट इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है 2022 में, राइट? और 2023 यानी नेक्स्ट ईयर कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया। दैट्स व्हाई दीस टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? आप समझ रहे हैं क्यों मैं इस पे एम्फसाइज कर रहा हूं बार बार कि आपको पढ़ना चाहिए कि इंडिया होस्ट कर रहा है 2023 में, इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है 2022 में, इंडिया 18th नंबर का होस्ट करेगा और इंडोनेशिया 17th नंबर का होस्ट करेगा, राइट? ये चीजें क्लियर हो गई। और इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है तो इंडोनेशिया की करेंसी भी जान लेते हैं। अगर एक पैराग्राफ आता है पूरा G20 पे तो आपको रुपया मिल जाएगा इंडोनेशिया के। आप कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये भी आपको इन द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डिस्कस करूंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ये जो पूरा पैराग्राफ है यही बता रहा है कि एग्जैक्टली इस मीटिंग में क्या है, राइट? एग्जैक्टली इस मीटिंग में क्या है कि भाई G20 समिट होने वाला है तो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड बात हो गई कि सर डेटा कैसे इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसफर करना है। इससे पहले भी इंडिया ने इस चीज के लिए मूट किया था कि सर हमें डेटा प्रोटेक्शन के लिए बहुत काम करना है, कि हमें कितनी हमारी एफिशिएंसी है, कितनी कैपेसिटी है, किस तरह से डेटा स्टोरेज पे काम करना है। और इस चीज में एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हो जाता है कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया था इंडिया में 2017 में, उस पर एक कमिटी बनी। ये कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड या G20 से रिलेटेड कोई भी पैराग्राफ आता है तो आपको मिलेगा कि श्री कृष्णा कमेटी, राइट? मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ उसको, श्री कृष्णा कमेटी, राइट? श्री कृष्णा कमेटी है जो कि डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। इसको पढ़ लेना है, हर एक कमेटी को याद करना जरूरी नहीं होता है, जो भी कमेटी न्यूज में है यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट कमेटी, राइट? तो ये श्री कृष्णा कमेटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर डेटा कमेटी मतलब कब आई, कौन सी डेटा कमेटी आई, श्री कृष्णा कमेटी आई। और ये G20 से रिलेटेड है क्योंकि इस टॉपिक से भी रिलेटेड है, तो हमें पूरा आस्पेक्ट इसको कवर कर लिया, राइट? और आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे लिए। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आज के लिए, ये हिंदू एक्सप्लेनर का टॉपिक है, व्हाट इज कॉजिंग द आर्कटिक वार्मिंग, राइट? इस टॉपिक में जब आप ओवरऑल पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटर्स मिलेंगे, टेक्निकल टर्म्स मिलेंगे। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आपके लिए बहुत ईजी होगा ये। बट कहीं पे भी मिस कर रहे हैं तो हम लोग हैं आपके लिए, वहाँ पे हेल्प करने के लिए, वी आर हियर टू असिस्ट यू कि सर किस तरह से काम करना है। इस टॉपिक में बहुत सारी चीजों की बात की गई है, जैसे एडोब फीडबैक के, अल्बिडो फीडबैक के बारे में बात किया गया है, राइट? अल्बिडो फीडबैक क्या होता है, फिर उसके बाद लैप्स रेट फीडबैक क्या होता है, ऐसी ऐसी चीजों का नाम दिया गया है यहाँ पे। तो इस पूरे आर्टिकल को आप पढ़िएगा जरूर एक तरह से, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है कि आर्कटिक में जो बर्फ पिघल रहे हैं उनके रीजन इसमें बताए गए हैं, उस टेक्निकल टर्म्स बताए गए हैं, व्हाट इज आर्कटिक वार्मिंग, व्हाट इज पोलर वार्मिंग, तो ये सब चीजें इसमें मेंशनड है। एंड वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन द सेम, राइट? वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन।
और टेम्परेचर से रिलेटेड एलेट क्लैट ने क्वेश्चन पूछा भी है इससे पहले कि 1 डिग्री सेल्सियस वाला कि कितना टारगेट है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कमिंग टू द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस, बट प्रायर गेटिंग इनटू द डिटेल्स मैं आपको एक छोटा सा कुछ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जिससे आपकी टेक्निकलिटी थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर ये एक्चुअली है क्या, राइट। तो लेट मी गिव यू अ पिक्टोरियल व्यू कि लेट सपोज दिस इज अर्थ राइट, ये हो गया आपका आर्कटिक पार्ट राइट, ये हो गया आपका अंटार्कटिक पार्ट, ये हो गया आपका 0 डिग्री लाइन इक्वेटर, सो अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आपको अटलांटिजाइजेशन, अटलांटिफिकेशन भी बोलते हैं उसको, अटलांटिफिकेशन यहां पर होता है, जो मैंने जहां पे इस चीज को मेंशन किया वो एग्जैक्टली वहीं पे होता है। अटलांटिफिकेशन को अगर हम डिटेल में समझे कि व्हाट एग्जैक्टली दिस टर्म मींस, तो अटलांटिफिकेशन का मतलब होता है जो आर्कटिक ओशंस आर्कटिक रीजंस में जो बर्फ पिघलते हैं वो ब्लू वाटर में कन्वर्ट होते हैं राइट, वो ब्लू वाटर में कन्वर्ट होते हैं ब्लू वाटर, और वो अटलांटिक टाइप का शेप लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं अटलांटिफिकेशन, पानी बर्फ पिघल रही है और वो पानी बनता है तो उसे हम कहते हैं अटलांटिफिकेशन, द कन्वर्जन ऑफ द आइसबर्ग्स इनटू ब्लू वाटर बेसिकली इट इज अटलांटिफिकेशन राइट। अटलांटिफिकेशन हो गया, इसमें एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट आता है परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, जब दो साल से ज्यादा व्हेन मोर देन टू इयर्स, फॉर मोर देन टू इयर्स द आइस बॉक्स स्टिल ऑन द प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस, तो उसे हम कहते हैं परमाफ्रॉस्ट राइट, और जब वो पिघलने लगती है तो प्रॉब्लम होता है। जैसे अब इसका आपके पास एक एग्जाम्पल भी है मेरे पास इस परमाफ्रॉस्ट से रिलेटेड, परमाफ्रॉस्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल है आपके पास साइबेरिया, जैसे अगर हम इस रीजन को लें तो इसमें बहुत सारी बर्फ जमी है, और जब ये टू ईयर से ज्यादा तक एक जगह पर रहेगी तो उसे हम कहते हैं परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट याद रखना ये नाम परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। ये रशिया भी इससे प्रॉब्लम फेस कर रहा है परमाफ्रॉस्ट से रिलेटेड, रशिया का साइबेरिया वाला रीजन, तो एक रीजन आप इसको लिंक कर सकते हैं रशिया का यूक्रेन पे जो एडवांटेज ले रहा है रशिया, क्योंकि वो चाह रहा है कि उसकी पॉपुलेशन और ज्यादा फैले राइट, वो ज्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट ले ताकि इन सब चीजों से नेचुरल कैलेमिटीज से वो बच सके, इसका तो कोई एस्पेक्ट है नहीं ना सर सेकंड, तो वी हैव टू जस्ट मूव अवर पॉपुलेशन फ्रॉम दैट वेरी पर्टिकुलर प्लेस, क्योंकि ये परमाफ्रॉस्ट जब पिघलेगा तो आपका डेवलपमेंट बहुत बहुत ही हाई लेवल पे हैम्पर करेगा राइट। तो ये हो गया आपके लिए परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट का ईयर कितना होता है 2 साल का टेन्योर होता है, 2 साल से ज्यादा अगर किसी रीजन में बर्फ जमी हुई है तो उसे कहते हैं परमाफ्रॉस्ट, सिंपल है। अटलांटिफिकेशन द कन्वर्जन ऑफ द आइसबर्ग्स इनटू द ब्लू वाटर इज नोन एज अटलांटिफिकेशन राइट। आपने आर्कटिक रीजन देख लिया, अंटार्कटिक रीजन देख लिया, इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जिसको हम फर्दर आगे डिटेल में स्टडी करेंगे राइट, या फिर मैं इसको अभी बता देता हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी रहेगा, आई गेस कि ये पूरा डायग्राम आपको क्लियर होगा। इफ यू आर मेकिंग नोट्स जस्ट मेक दिस, स्टॉप दिस स्क्रीन एंड जस्ट मेक दिस फॉर योर रिमाइंडर कि हाँ जब आप पढ़ो इस टॉपिक को दोबारा तो आपको पता चले कि हाँ एग्जैक्टली परमाफ्रॉस्ट क्या था। डेट्स वाई आई हैवंट गोन इनटू द वे लाइक कि एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज को, बिकॉज अब याद रहेगा आपको परमाफ्रॉस्ट क्या था, रशिया वाला रीजन आई हैव लिंक्ड यू विद इंटरनेशनल ऑर्डर राइट, अटलांटिफिकेशन क्या होता है, आर्कटिक रीजन क्या होता है, अंटार्कटिक रीजन क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, ये सब चीजें आपके लिए जरूरी हो जाती है राइट। इस टॉपिक में, इस पूरे टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिए हुए हैं, उसको मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ प्रॉपर ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि है क्या। जैसे पहला है आइस अल्बिडो, आइस अल्बिडो फीडबैक, ये आइस अल्बिडो फीडबैक क्या होता है, बहुत टेक्निकल टर्म लग रहा होगा बट जिन्होंने 12th क्लास में ज्योग्राफी पढ़ी होगी, 11th में पढ़ी होगी, फिजिकल ज्योग्राफी नाम से वो बुक है, पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ी है अभी के लिए इतना काफी है, आई एम टेलिंग यू ट्रस्ट मी राइट। आइस अल्बिडो फीडबैक क्या होता है कि बेसिकली एक सरफेस होता है, जैसे ये हम सपोज कर लेते हैं डायग्राम से ही समझाते हैं तो इजी रहेगा आपके लिए, ये अर्थ है, ये कोई पोर्शन है जहां पर बहुत सारा आइस है राइट, ये कोई पोर्शन है जहां पर बहुत सारा आइस है आपका, और ये रहा सन राइट, इसको सन नाम दे देते नहीं तो आप कुछ और मत समझ लेना, ये अर्थ है, ये सन हो गया राइट। अब सन की रेस इस पोर्शन पे आएगी
और वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, राइट, बहुत सारी रेज आएंगी और वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तो इस रिफ्लेक्ट बैक को आइस अल्बिडो फिनोमेना बोला जाता है, इस पूरे फिनोमेना आइस अल्बिडो फिनोमिनन, इस पूरे जो पूरा प्रोसेस जो हो रहा है आपका, द रिफ्लेक्टिंग ऑफ सन सन रेज फ्रॉम दैट आइस सरफेस इज नोन एज आइस अल्बिडो फीडबैक, राइट। अब आइस अल्बिडो फीडबैक पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, राइट, पॉजिटिव निगेटिव होता है आइस अल्बिडो फीडबैक। तो देखिए, जब ये सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो जो आइस है वो आपको वार्मनेस एब्जॉर्ब नहीं करेगी, राइट, ये तो लॉजिक है सिंपल कि सर अगर सरफेस पे लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं हुई तो वो वार्मनेस अट्रैक्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी तो बर्फ नहीं पिघलेगी, सिंपल, तो वो आइसबर्ग ही रह जाएगा। अब मान लीजिए कि जो निगेटिव फीडबैक में क्या होता है, आइस अल्बिडो का जब निगेटिव फीडबैक होता है तब होता है क्या कि जी ये रेज आ रही है, ये जो आपकी जो रेज ऊपर से आ रही है आपने देखा है अभी, तो ये एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही ये एब्जॉर्ब होना शुरू होगी तो ये आइस अल्बिडो का निगेटिव फीडबैक स्टार्ट हो जाए, राइट। तो ये चीजें याद रखनी है, आइस अल्बिडो क्या होता है मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, बहुत सिंपलेस्ट टर्म में बताया है कि आपको आइडिया हो जाए कि आइस अल्बिडो एग्जैक्टली क्या होता है। रिफ्लेक्टिंग ऑफ सन रेज फ्रॉम दैट वेरी पर्टिकुलर और आइस सर्फेस इज नोन एज आइस अल्बिडो फीडबैक। अब ये इस फिनोमेना को आइस अल्बिडो फिनोमेना बोला जाता है, ये पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, परमाफ्रॉस्ट पढ़ा, क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली दिस परमाफ्रॉस्ट इज, परमाफ्रॉस्ट भी पढ़ा और अटलांटिफिकेशन भी पढ़ा। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है, ये तीसरा टेक्निकल टर्म मैंने आपको क्लियर किया अभी के लिए। कमिंग टू द लास्ट टेक्निकल टर्म एज पर दिस टॉपिक इज, ये काफी इंटरेस्टिंग टर्म है और जो लोग हिल स्टेशन गए होंगे या हिली एरियाज पे गए होंगे उन्होंने इसको फील भी किया होगा, इवन आई हैव फेल्ट एट द मसूरी। तो आप लोग इजिली फील कर पाएंगे, जब आप मसूरी भी जाएंगे किसी लो लैंड से हाई लैंड पे तो आपको ये इजिली फील हो जाएगा। और ज्योग्राफी उसको कितना टेक्निकल करता है देखते हैं चीज को। लैप्स रेट फीडबैक, लैप्स रेट फीडबैक, लैप्स रेट फीडबैक क्या होता है, जैसे कि ये एक लोलैंड है, लोलैंड है, राइट, ये हाईलैंड है, हाईलैंड है। अब जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो एल्टीट्यूड हाइट होगी, एल्टीट्यूड बढ़ेगी, एल्टीट्यूड बढ़ेगी सर, या फिर कह दीजिए कि इंक्रीज होगी, इस रेट पे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगी, राइट, यहां पर अगर ये बनाए तो एल्टीट्यूड इंक्रीज होगी। अब एल्टीट्यूड इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर गिरेगा, राइट, एल्टीट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, दिस रेट इज नोन एज लैप्स रेट। तो आपके माइंड में आ रहा हो सर ये तो कॉमन था ना, ये तो कॉमन लॉजिक है कि हाँ एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, ये तो सबको पता है। तो सर सबको पता है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता, आपने कितनी बार फील भी किया होगा इस चीज को, जहां पे भी आप हाईलैंड्स पे गए होंगे, व्हेन यू गो टू द देहरादून, जब आप मसूरी पे जाना स्टार्ट करते हैं, राइट, तो आप एक पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पे आपको टेम्परेचर वेरी होना स्टार्ट हो जाता है, राइट, एकदम से नहीं होता बट वेरी करना स्टार्ट होता है धीरे 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 धीरे, एंड वी यू व्हेन यू रीच टू द टॉप, राइट, व्हेन यू रीच टू द टॉप तो आपको लगता है हाँ ये तो मामला गड़बड़ आ रहा है यहाँ पर, राइट। तो मामला गड़बड़ नहीं होता, उसे हम कहते हैं लैप्स रेट फिनोमेना। एल्टीट्यूड के साथ जब टेम्परेचर घटने शुरू हो जाती है तो उसे हम कहते हैं लैप्स रेट फिनोमेना, राइट। अब ये लैप्स रेट जो होता है इसमें आपके लिए क्या जरूरी है, एक तो लैप्स रेट होता क्या है, तो ये अब आपको पता चल गया, एल्टीट्यूड इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज, राइट, ये चीज पता है, कोई इसमें लोड नहीं है, अगर आता है तो आप टिक कर लेंगे, आई एक्सपेक्ट आपसे, राइट। तो इसमें एक एक आस्पेक्ट आता है जो कि जरूरी है फॉर द हार्ड कोर फैक्ट, हार्ड कोर फैक्ट के लिए वो चीज जरूरी हो जाती है कि नॉर्मल लैप्स रेट कितना होता है, नॉर्मल लैप्स रेट कितना होता है। अगर नॉर्मल लैप्स रेट की बात करें तो आप जब गूगल करेंगे सिस्टम को तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, 0.65 डिग्री सेल्सियस फॉर पर 100 मीटर, पर 100 मीटर पे आपको 0.65 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, राइट, नॉर्मल है। अगर आप 1000 मीटर पे जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ, तो 1000 मीटर पे पूछेगा तो 6.5 डिग्री सेल्सियस। इस टर्म को याद, ये है लैप्स रेट फिनोमेना, लैप्स रेट फीडबैक,
इससे पहले मैंने आपको बताया एस आइस अल्बिडो फिनोमिना, राइट, उसके पहले मैंने आपको बताया अटलांटिफिकेशन, उसके पहले बताया मैंने आपको परमाफ्रॉस्ट, राइट, और ये लैप नॉर्मल लैप्स रेट बता दिया, इंक्रीज होगी हाइट तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा ऊपर जाके। तो इस पूरे फिनोमिना को हमने लैप्स रेट फिनोमिना कहा, और मैंने आपको बहुत डिटेल्ड में इस चीजों को बताया है, एंड आई गेस कि इससे डिटेल अब आपको जानने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर आस्पेक्ट में फॉर योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, नॉर्मल लैप्स रेट कितना होता है, ये एनालिस्ट ने अपने पेपर में पूछा था व्हेन दे यूज्ड टू टेक एग्जामिनेशन ऑन द लाइक कॉलेज बेसिस, लाइक जब एग्जाम होते थे 90s के टाइम पे, उसके बाद भी हुए हैं कि सिंगल कॉलेजेस अपना खुद का एग्जाम लेते थे जब क्लैट नहीं था, तो इस टाइप के क्वेश्चन तब आते थे, अब मे भी आ सकते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट सरप्राइजेस, पूरा एनवायरमेंट ही टॉपिक में है कि भाई वार्मनेस वार्मनेस बढ़ रही, तो आप इन सब चीजों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई एम देयर एंड आई श्योरली एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स आर। और तब तक के लिए आप ये देख सकते हैं, आपके लिए सामने, आपके लिए ही मैंने ये बनाया है, तो देखिएगा इसको, बताइएगा कोई डाउट होगा तो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट आस्पेक्ट फॉर टुडे इज रिगार्डिंग दिस टॉपिक ओनली। तो अब मैंने इसको पूरा डिटेल में कवर किया फॉर द डेफिनेशन पर्पज के लिए कि आर्कटिक एम्पलीफिकेशन क्या होता है, राइट। आर्कटिक एम्पलीफिकेशन तब अराइज होता है जब एक कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ हीट वेव्स होते हैं फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, मैंने आपको आर्कटिक और अंटार्कटिक ट्रॉपिक्स बताया है, तो जब वहां पर कॉन्स्टेंट हीट वेव्स का फ्लो होता है तो उस एम्पलीफिकेशन को हम कहते हैं आर्कटिक या फिर पोलर एम्पलीफिकेशन, दोनों में से कोई एक भी नाम आ जाए कंफ्यूज नहीं होना, राइट। और अभी प्री इंडस्ट्रियल टाइम पे प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर कितना है, कितना इंक्रीज हुआ है, 1.1 डिग्री सेल्सियस। इस चीज को सर जरूर याद रखिए, इस तरह के फैक्ट्स आपके एग्जाम में आते हैं, देखिए अब सर कितना होता है लैप्स रेट, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर पर 1000 मीटर, ये चीज याद रखनी, 100 मीटर पे कितना होता है, 1000 मीटर पे कितना होता है, 2 आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, लाइक आप 1000 मीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री वो हो जाएगा, चेंज आएगा टेम्परेचर, तो इस चीजों को याद रखना है इन चीजों को। और 1.1 डिग्री सेल्सियस को याद रखना है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है, एवरेज टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, राइट। तो ये याद रखना है, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, लैप्स रेट के टाइम पे यू हैव फेल्ड दैट कि जब आप ऊपर जाते हैं तो ठंड लगनी शुरू हो जाती है, तो फिर वही 6.5 डिग्री का ही टाइप डिफरेंस आता है, जब आप, मेरे पास एक एक्सपीरियंस भी है पर्सनल देहरादून मसूरी का, तो व्हेन यू जस्ट गो ऑन द टॉप, तो जितना ऊपर, जितना 1000 मीटर आप ऊपर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर नीचे जाएगा और ठंड लगनी शुरू हो जाएगी सर, तो उसे कहते हैं लैप्स रेट। तो ये लैप्स रेट की बात हो गई टेम्परेचर की, एंड आई एम एम्फसाइजिंग यू बिकॉज आपको वो डेटा याद रहे एटलीस्ट, राइट। 1.1 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, आइस अल्बिडो फीडबैक और लैप्स रेट फीडबैक दोनों ही मैंने आपको बता दिया है, राइट। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है, भूलना नहीं नहीं है, भूलना मना है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट आस्पेक्ट ऑफ दिस न्यूज इज रिगार्डिंग द आर्कटिक काउंसिल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वी विल लिंक दिस टॉपिक विद द आर्कटिक काउंसिल, राइट। आर्कटिक काउंसिल क्या होता है, बेसिकली ये इंटर गवर्नमेंट काउंसिल फोरम है जिसमें आर्कटिक रीजन या आर्कटिक स्टेट्स के जो कंट्रीज हैं वो आते हैं, ऑब्वियस है ये कि आर्कटिक स्टेट्स और आर्कटिक रीजन जो होंगे वही आएंगे। ये एक 8 मेंबर बॉडी है, आर्कटिक काउंसिल जो है वो 8 मेंबर बॉडी है। इसके मेंबर्स हैं कैनेडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, और उसके बाद ये आपको नॉर्वे है, ये आपको नॉर्वे है, उसके बाद आपको स्वीडन मिलेगा, रशिया मिलेगा एंड यूएस मिलेगा, और इसके अलावा, इसके अलावा आपको लगता है कि बस 80 मेंबर, तो हम इंडिया की बात की, इंडिया तो आर्कटिक है भी नहीं, तो ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, जो नॉन आर्कटिक स्टेट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑब्जर्वर, और ऐसे 13 स्टेट्स हैं जिन्हें ऑब्जर्वर स्टेट्स का दर्जा मिला हुआ है, राइट। तो ये याद रखना है। और आर्कटिक काउंसिल का जो शुरुआत था, नॉट द फाउंडेशन बट द लाइक वी टेल ना कि जैसे कि हाँ इसका एनकरेजमेंट आया, इसको स्टार्ट करने का एक पॉइंट होता है, तो वो हुआ था आर्कटिक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी AEPS की डेट आपको याद होनी चाहिए 1991 में, जिस तरह से मैंने आपको यूरोपियन यूनियन की डेट्स के बारे में बताया था ऑन द 16th अगस्त वीडियो, राइट। तो आपको लिंक करके पढ़ना है इन चीजों को, तो यहाँ से इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी, बट फाउंडेशन ईयर अलग है, बिल्कुल अलग है, और उसका हेडक्वार्टर भी बिल्कुल अलग है। तो अभी के लिए ये आपको मिल गया आर्कटिक काउंसिल में कि 8 मेंबर होता है, 13 ऑब्जर्वर्स होते हैं, कौन कौन से मेंबर स्टेट्स होते हैं ये याद कर लीजिएगा कि एग्जाम में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल, तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप सरप्राइज होने की सवाल ही नहीं आते जब वी हैव अ लिंक, क्योंकि क्लैट ने तो बोला ही कि फाउंडेशन दे विल आस्क द
कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम हो चुका है ये, अब याद करने वाला एग्जाम कम कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा हो चुका है। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस, कि यहाँ पर जब फॉर्मेशन वगैरह की बात आती है तो ये आता है कि जब आर्कटिक काउंसिल का डिटेल जानते हैं तो 1996 में फॉर्म हुआ था ये, और 1991 AEPS के थ्रू इसका फाउंडेशन रखा गया था। फॉर्मेशन कब हुआ था? 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन से। तो आएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा काउंसिल है जो कि ओटावा डिक्लेरेशन से हुआ, अंटार्कटिक आ जाएगा, आर्कटिक आ जाएगा, तो आपको क्या टिक करना है? आर्कटिक काउंसिल, आर्कटिक काउंसिल टिक करके आना है ओटावा डिक्लेरेशन से। इसका हेडक्वार्टर है ट्रॉम्सो नॉर्वे में, ये याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ है? ट्रॉम्सो नॉर्वे। 8 मेंबर है और 13 ऑब्जर्वर है, मतलब क्या हो गया? 8 + 13, इस चीज को नहीं भूलना। करंट चेयर, जैसे अब इसकी चेयर की बात की जाए तो इसका चेयर हर 2 साल पे मूव कर, जैसे G20 में मूव करता है ट्रोइका। G20 में अगर ट्रोइका को मैं स्टेब्लिश करना चाहूँ तो G20 का जो ट्रोइका है उसको अगर हम एक बार देख लें, राइट, तो ये रहा ट्रोइका, उसको लिंक कर लेते हैं उस चीज से। G20 का ट्रोइका, ट्रोइका में बेसिकली क्या होता है, अगर ट्रोइका को मैं आपको एक डायग्राम बना के ही दिखा दूं, कि जैसे 2017 में किसी कंट्री ने होस्ट किया, राइट, जर्मनी ने होस्ट किया 2017 में, इसको लिंक करना है हमको किससे? आर्कटिक काउंसिल से। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू नाउ, राइट। तो G20 पे थोड़ा सा मूव करते हैं। 2017 में जर्मनी की प्रेसिडेंसी थी, 2018 में अर्जेंटीना की प्रेसिडेंसी थी, और 2019 में जापान की प्रेसिडेंसी होगी, राइट। तो अगर 2018 में अर्जेंटीना होस्ट कर रहा है तो ही विल होस्ट विद सपोर्ट ऑफ अपकमिंग एंड द प्रीवियस, तो इसी चीज को हम कहते हैं ट्रोइका, तीन लोग मिलके करें। करंट वाला जो है वो पिछले वाले और आने वाले के साथ मिलके करें। तो G20 का अभी कौन है ये मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट ईयर इंडिया होस्ट कर रहा है 2023 में, और अभी इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की करेंसी भी इसी साथ याद रख लेनी है। तो ये तो हो गया ट्रोइका। चलिए इसको लिंक किससे करना था हमें? आर्कटिक काउंसिल से, राइट। वी आर गोइंग टू लिंक विद दिस आर्कटिक काउंसिल। तो आर्कटिक काउंसिल की अगर बात की जाए तो आर्कटिक काउंसिल का जो चेयर है वो हर 2 साल पे रोटेट होता है, हर 2 साल पे, मतलब बाई एनुअल है, 2 साल पे होता है, रोटेट करता है। करंट चेयर किसके पास है? रशिया के पास, और रशिया की चेयर कब मूव करेगी? 2023 के बाद, मिनिस्ट्रियल मीटिंग के बाद, जब तक इसकी आर्कटिक काउंसिल की 2 साल में जो मीटिंग होती है, चेयरमैनशिप ऑफ द काउंसिल की मीटिंग, मिनिस्ट्रियल मीटिंग के बाद रशिया की चेयर मूव कर जाएगी किसी दूसरे कंट्री के पास, राइट। अब वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में करते हैं कि भाई हाँ चलो इस साल तुमने कर लिया, अगले साल तुमने, राइट। तो ये चीज है, बस ये अभी याद रखना है अभी के लिए, कि इतना काफी है आपके लिए। ओटावा डिक्लेरेशन याद रखना है, ईयर याद रखना है, और कहाँ इसका हेडक्वार्टर है ये तो याद ही होना चाहिए, और वो टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स, और वो नंबर्स, 1.1 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो, क्या होता है आपका लैप्स रेट इफेक्ट, क्या होता है लैप्स रेट फिनोमेना, लैप्स रेट नंबर क्या होता है, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, ये पूरा जो बना हुआ है ये पूरा इंडिया के एस्पेक्ट से है, ये पूरा एस्पेक्ट कि इंडिया का क्या क्या स्टैंड रहा है आर्कटिक काउंसिल के रिगार्डिंग, इंडिया कि इंडिया ने कैसे डेवलप किया है इसमें। तो आई विल सजेस्ट यू कि जस्ट हैव दिस पीपीटी एंड जस्ट हैव अ बगा कि सर कैसे काम चल रहा है। जैसे मैंने ईयर वाइज ईयर इसको नोट करवाया है यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और भी है इसके बाद। तो अभी देखते हैं, एक सेवलबार्ड ट्रीटी साइन हुई थी पेरिस में, सेवलबार्ड ट्रीटी साइन हुई थी पेरिस में 1920 में, राइट। फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन 2007, पहली बार साइंटिस्ट आप देख पा रहे हो 87 ईयर्स के बाद भेजे गए, आफ्टर 87 ईयर्स। 1920 में सेवलबार्ड ट्रीटी साइन हुई पेरिस में, और 2007 में इंडिया ने पहली बार साइंटिफिक को भेजा आर्कटिक में कि जाओ देख के साइंटिफिक रिसर्च करो तुम वहां पे। जैसे अभी चाइना का एक शिप आ रहा है, शिप का नाम बताइएगा, मैंने बहुत डिस्कस किया है कि चाइना का कौन सा शिप हमनटोटा पोर्ट पे आ रहा है, आ गया है एक्चुअली साइंटिफिक रिसर्च के नाम पे। फिर उसके बाद 2008 में एक नया डेवलपमेंट देखने के लिए मिला कि हिमाद्री में एक रिसर्च बेस बनाया गया, हिमाद्री, हिमाद्री में एक रिसर्च बेस बनाया गया 2008 में, 7 में भेजा तो 8 में उन्होंने बना दिया कि चलो भाई बना देते। 2014 में यहां पर मल्टी मिशनरी ऑब्जर्वेटरी स्टैब्लिश हुआ कॉन्ग्सफो जॉर्डन में, कॉन्ग्स ऑफ जॉर्डन में स्टैब्लिश हुआ 2014 में, एक मल्टी मल्टी विजनरी मूड स्टैब्लिश हुआ था, राइट। 2016 में, 16 में एक लेबोरेटरी आई थी, ये 2016 का न्यूज है, एक लेबोरेटरी आई थी। तो इसमें आपको याद क्या रखना है? तो आपको हिमाद्री वाला पॉइंट याद रखना है, फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन याद रखना है,
और ट्रीटी कहाँ साइन हुई थी, कब साइन हुई थी, सिविल वॉर ट्रीटी पेरिस में 1920। ये तीन इंपॉर्टेंट है इस पूरे में, तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। थोड़ा सा इसमें और डिटेल में अगर जाए आर्कटिक में, ताकि अगर कोई भी सरप्राइज आता है तो आप सरप्राइज ना हो, एग्जामिनर सरप्राइज हो जाए कि अरे इसको ये भी आता है। तो इसको आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत बेसिक फैक्ट्स है कि इंडिया की फर्स्ट ग्रांटर इंडिया को, जैसे हम लोगों ने बात किया कि 13 ऑब्जर्वर स्टेट्स होते हैं राइट, और 8 मेंबर्स होते हैं इस आर्कटिक काउंसिल में। तो जो 13 मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स होते हैं उसमें इंडिया को पहली बार ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला था 2013 में। उसके साथ पांच और देशों को मिला था। वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल कि वो पांच देश कौन थे। हमारा क्या टारगेट है, 2013 में इंडिया को मिला था, 2019 में इंडिया वॉज री इलेक्टेड। फिर उसके बाद एक गांधीनगर डिक्लेरेशन याद कर लीजिएगा, दिस इज रिलेटेड टू कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के ऊपर एक डिक्लेरेशन है। तो इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी पे इसको आप लिंक कर लेंगे रामसर साइट से, गांधीनगर डिक्लेरेशन को। रामसर साइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, 75 रामसर साइट्स ऑन द 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए रामसर साइट्स, क्योंकि 75 रामसर साइट्स आपको याद नहीं करना है, आपको रामसर साइट्स के बारे में पढ़ना है। मैंने 28 जुलाई के अराउंड कुछ वीडियो बनाया था रिगार्डिंग द रामसर, क्योंकि बहुत हाइप हुआ था उस टाइम पे रामसर। तो आपको एक बार जस्ट मूव ऑन कर लेना चाहिए सर कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो इससे रिलेटेड सब्जेक्ट है। और यही आस्पेक्ट भी था कि 75th इंडिपेंडेंस डे तो 75 रामसर साइट्स, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये डिक्लेरेशन मैंने स्पेशली इसे डाला, इकोलॉजी से रिलेटेड है, गांधीनगर डिक्लेरेशन। बात करते हैं आर्कटिक काउंसिल को, तो इंडिया इसका पहली बार ऑब्जर्वर कब बना था, 2013 में, और री इलेक्ट हुआ था 2019 में। तो ये आस्पेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। कोई भी डाउट आए किसी भी टेक्निकल टर्म के रिगार्डिंग, जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल देयर। और आप लोग आंसर कर रहे हैं, इट इज वेरी नाइस टू सी कि हाँ यू आर डूइंग जस्ट नाइस राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट आस्पेक्ट, नेक्स्ट आस्पेक्ट इज द जियो पॉलिटिक्स ऑफ द फोर्थ ताइवान क्राइसिस। इस पूरे आस्पेक्ट को मैंने दो वीडियोस में, एक आप देख सकते हैं 12 to 14 August का वीडियो, जब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि जिस वीडियो में लिखा होगा ऊपर में ही लिखा रहता है मेरे वीडियोस में इसमें क्या क्या टॉपिक्स को डिस्कशन होना है, जस्ट ओपन इट एंड हैव इट कि चाइना से रिलेटेड कुछ है तो देखना है, नहीं तो नहीं देखना राइट। और एक आप 6 August के रिगार्डिंग वीडियो देख लेना, 6 August के रिगार्डिंग वीडियो, जिसमें मैंने चाइना, ताइवान, US और जापान, इंडिया, हम्मनटोटा, फिर उसके बाद आपको रिगार्डिंग द चाबहार पोर्ट विच इज इन ईरान, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया, डिटेल मैपिंग की है, वन चाइना पॉलिसी क्या है, वन चाइना प्रिंसिपल क्या है, ईच एंड एवरी थिंग आई हैव टोल्ड यू। ताइवान से चाइना का रिलेशन, संकाकू आइलैंड, क्यूरिल आइलैंड जो कि जापान रशिया का डिस्प्यूट है, आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरी थिंग इन डिटेल। जस्ट गो टू डैट वीडियो एंड हैव अ लाइक थरो रीडिंग ऑफ दिस टॉपिक, तब आप ये आर्टिकल पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस आर्टिकल में अभी के लिए हमारे पास क्या है, इस आर्टिकल में जो मैंने आपको इतने सारे टर्म्स बताए, संकाकू, क्विरिल, ताइवान, चाइना, इंडिया, इन सब के बारे में ही है, बट एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया है इस आर्टिकल में दैट आई एक्चुअली लाइक दैट, और वो टर्म है आपको हेजेमनी। हेजेमनी देखिए, हेजेमनी क्या होता है, आज से 2014 जब 14 के अराउंड जब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हुई थी, 14 years it was 14 or 2018 आई गेस, जब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हो रही थी फ्रॉम द रैमपार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट, तो उन्होंने कहा था इंडिया इज गोइंग टू बिकम द हेजेमनी इन पैसिफिक। तो बहुत अच्छी बात है हेजेमनी। और रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले पुतिन साहब ने, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमिर पुतिन, उन्होंने भी इस वर्ड को यूज किया है कि यूएसए इज ट्राइंग टू मेक द हेजेमनी राइट। तो इस सब चीजों का टर्म होता है। तो हेजेमनी होता क्या, सिंपल सोबर लैंग्वेज में अगर हम समझें तो हेजेमनी का मतलब होता है सिंगल कंट्रोल, कि आई हैव अ कंट्रोल ओवर दिस टेरिटरी राइट। तो इसको अगर देखें तो यूनिपोलर, बेसिकली इट इज यूनिपोलर कॉन्सेप्ट। यूनिपोलर मतलब सिंगल कंट्रोल, जैसे रशिया का हेजेमनी है बाल्टिक सी में, यूएसए का हेजेमनी है अटलांटिक में, चाइना वॉन्ट्स टू मेक हेजेमनी लेकिन उसका मिलिट्री पावर उसको अलाउ नहीं कर रहा है, और ताइवान इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके हेजेमनी को क्रिएट करने में। हेजेमनी मतलब यूनिपोलर कंट्रोल, मेरा एक छत्र राज, नो वन इज अबव मी राइट, इस टाइप के हैं। तो चाइना का हेजेमनी के रिगार्डिंग है इसमें। हेजेमनी का मैंने आपको मतलब बता दिया, इसके सिनोनिम जरूर देख लीजिएगा हेजेमनी के, यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश। कमिंग टू द आस्पेक्ट, इस पूरे आर्टिकल को अगर हम समअप करें तो ये इतने पार्ट में समअप हो जाते जो हमारे जीके के लिए।
सोवियत का हेजेमनी कहाँ है? ब्लैक सी एंड बाल्टिक सी में। मैंने जब आपको रिसेंटली एक एस्पेक्ट पढ़ाया था यूरोपियन यूनियन और इंडिया का रिलेशन, 16 अगस्त को ही पढ़ाया है मैंने ये चीज़, तो वी हैड अ डिटेल डिस्कशन ऑन दैट यूरोपियन यूनियन कॉन्सेप्ट। तो उसमें मैंने ब्लैक सी को मेंशन किया था, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, रेड सी, कैस्पियन सी, जाके देखिएगा एंड हैव अ लुक ऑन इट। इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो फिर वहां पे गरबा नहीं करना है, वहां पर आंसर करना है, राइट? तो ब्लैक सी एंड बाल्टिक सी, ये आपका सोवियत यूनियन का, राइट? और यूएस का हेजमनी कहाँ है? यूएस की हेजमनी वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, राइट? सबको पता है अटलांटिक और पैसिफिक में सुपर पावर कौन? यूएस। ब्लैक सी और बाल्टिक सी में सुपर पावर कौन? सोवियत यूनियन। और कंट्रारी टू द चाइना, चाइना नहीं बना पा रहा है हेजमनी, चाइना बना भी नहीं पाएगा हेजमनी, बहुत टफ है, क्योंकि पैसिफिक में इंडिया भी है। इंडो पैसिफिक पे अगर एक वन रूल करना है तो इंडिया से लड़ना पड़ेगा, इंडिया से लड़ना इतना आसान नहीं है। और आज के टाइम पे वॉर्स नहीं होते हैं, दे आर नॉट लाइक कि हम गोली बंदूक लेके जा रहे हैं, वे आर जस्ट आर्म्स एम्यूनिशन हम लेके जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हेजमनी क्रिएट की जाती है, तो सो आर पावर, कि हाउ पावरफुल आई एम, एंड दैट्स वाई ताइवान इज इम्पोर्टेंट फॉर चाइना। एक तो इसका पास्ट है, पॉलिटिक्स है चाइना का, ताइवान का, रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ ताइवान, मेनलैंड चाइना, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है हम लोगों ने। 12 से 14 अगस्त का वीडियो चेक करिएगा, 6 अगस्त का वीडियो चेक करिएगा, आपको मिलेगा। तो ताइवान इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है चाइना के लिए कि अगर ताइवान पे मान लेते हैं, अगर कोई और कंट्री कंट्रोल कर लेती है, यूएस कर लेता है, तो ये जो हेजमनी है चाइना की वो खत्म हो जाए। जो ये कह रहे हैं कि वी आर द वर्ल्ड सुपर पावर, सुपर पावर किस बात के सुपर पावर? यू डोंट हैव अ हेजमनी इन अ पर्टिकुलर एरिया, हाउ कैन यू क्लेम योर सेल्फ अ सुपर पावर? अब जैसे यूएस की हेजमनी, यूएस का वन रूल है कि हाँ आई एम द सुपर पावर, राइट? लोग मानते हैं, उनकी चलती है बेसिकली, तो उनकी हेजमनी है। तो आई गेस कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट, इस पूरे आर्टिकल को किस पर्पज से लिखा गया है, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट आस्पेक्ट इज व्हाट नॉट टू बी मिस्ड पार्ट। यस, व्हाट नॉट टू बी मिस्ड पार्ट, पेज नंबर 6 पे, फाइंडिंग अ होम और सडन डेथ। फाइंडिंग अ होम को पढ़िएगा, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया हुआ है, बस आप इंग्लिश के एस्पेक्ट से पढ़िए। सडन डेथ को आप जीके के एस्पेक्ट से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में, जो उस पर बैन लगा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है कि सेंटर को डायरेक्शन दिया गया है, देखते हैं क्या होता है। इसमें फीफा के रिगार्डिंग भी है, तो इस आर्टिकल को पढ़िएगा और कल का न्यूज एनालिसिस जरूर देखिएगा, उसमें मैंने इन दोनों को फॉर योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव के हिसाब से उसको कवर किया है बहुत डिटेल में। कमिंग टू द नेक्स्ट आस्पेक्ट, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अस, इज चेक योर लर्निंग। लिमोआ अग्रीमेंट इज बिटवीन विच कंट्री? तो लिमोआ एग्रीमेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर व्हाट एग्जैक्टली दिस लिमोआ एग्रीमेंट, बताइएगा आंसर में कि क्या होता है और किस कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट है। ये इंडिया और एक और कंट्री है जिसका कुछ दिन पहले ही पोर्ट चेन्नई डॉक पे आया है, तो इंडिया के साथ है कोई कंट्री, बताइएगा। और लिमोआ क्या होता है, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, जस्ट सर्च इट आउट एंड रीड इट आउट। कमिंग टू द नेक्स्ट आस्पेक्ट, इज अबाउट द हमन टोटा पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? चाइना, ताइवान, ईरान, पाकिस्तान, सब आ गए। हमन टोटा पोर्ट किस कंट्री में है? अभी रिसेंटली चाइना की शिप भी आई है, जिसको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया उस शिप के बारे में, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट आस्पेक्ट, काला कॉटन इज इंडिजीनियस टू विच स्टेट इन इंडिया? बताइएगा काला कॉटन, महाराष्ट्र इज नॉट द आंसर, बहुत लोगों का रहता है कि हाँ ब्लैक सॉइल है तो होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, बताइएगा आंसर क्या है इसका। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, हु मेड द फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी? 20th सेंचुरी की ये वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस में से एक है, top 10 स्पीचेस में से एक थी ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, 1947 में स्पीच दी गई थी, बहुत फेमस है। इन द लाइट्स ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द होल वर्ल्ड स्लीप, इस टाइप का ये स्पीच स्टार्ट होता है। इन द लाइट ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द होल वर्ल्ड स्लीप, इंडिया इज अवेकन एंड एंटरिंग इन टू द जस्ट न्यू वर्ल्ड, इस टाइप से बताया गया था। 14-15 अगस्त को मिडनाइट में स्पीच दी गई थी, तो पढ़िएगा इस स्पीच को, अगर मौका मिले तो गूगल करिएगा, पढ़िएगा। यू आर गोइंग टू बी अ लॉ स्टूडेंट, यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, गूगल करिएगा, यूट्यूब पे आपको मिलेगा कि वो स्पीच पूरी मिलेगी आपको। बस अभी के लिए क्या बताना है कि वो स्पीच किसने दी थी, वो 75th पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस है, आजादी का अमृत महोत्सव, तो यही बता दीजिएगा, अमृत महोत्सव यहीं से स्टार्ट हुआ। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन फॉर टुडे, चाबहार पोर्ट इज इन न्यूज, व्हाई इज इन न्यूज? बिकॉज चाइना का एक शिप आया है चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट पे नहीं, आई एम सॉरी सॉरी माय बैड, बिकॉज चाइना का शिप कहाँ आया, हमन टोटा पोर्ट। चाबहार क्यों इंपॉर्टेंट है?
मैं आपको इसका एक मैप आइडिया दे देता हूँ कि ये किस कंट्री में है। कि जब आप इंडिया का मैप बनाएंगे ऐसे, ये तो हम्बन टोटा का हो गया आप, राइट। यहाँ पर है चाबहार पोर्ट आपका, ये है चाबहार पोर्ट, ये है मुंबई पोर्ट, इसकी लिंक होती है, राइट। तो बताइएगा किस कंट्री में है चाबहार पोर्ट और क्यों इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आप लोग बहुत लेंथ में डिस्कस किया जब हमने सेंट्रल एशिया पढ़ा था। तो आज के लिए इतना ही, द हिंदू न्यूज एनालिसिस के लिए क्वेश्चंस करिएगा, आंसर्स बताइएगा, एंड आई रियली अप्रिशिएट, आई एम देयर टू सॉल्व एनी डाउट यू आर फेसिंग, जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई एम देयर। और लाइव चैट्स पे भी आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट, आई विल श्योरली आंसर इट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू, राइट। थैंक यू एंड डू मेक नोट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।